Okay, push up, push up, all the way down. इधर वापस आओ, ओ वापस आओ, पकड़ो हाथ पकड़ो, बैठ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, हाथ पकड़ो, नीचे बैठो, नीचे सीधा, 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 sailor boy, all the way up. किसके इंतजार में है ये? शादी पे जा रहे होंगे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड। ओ चलना यार। ये बड़े कल जी नहीं चलना चलाने के साथ। हम गलत आए थे। अल्लाह माफ करे, हम गलत खड़े थे। ये इस मैं कहती हूँ कसम से अजीब ही बंदा था ये। सामने सारा साफ सुथरा था, खड़ा हो गया बीच में पता नहीं किसको देखने के लिए। भाई बरान ने मुझे कहा है कि आपने कैसी आवाज निकाली है। मैंने कहा मैं फ्रंट पे निकालती हूँ। गरमांडे टैलेंट है, हिडन टैलेंट है बरान। बरान ये हिडन टैलेंट पंजाबी बोले आप। मैं पंजाबी बोलूँ बरान को भी पंजाबी आती है ना? बोल तो रहे थे मुझे समझ ही आ रही। बरान एक दफा बोल के दिखाओ क्या गरम आंडे या गरम आंडे या पिट कर रहे हैं हम गरम आंडे या करें। यार 4 मिनट रह गए हैं और आप फिकर ना करो 4 मिनट बाद ओ बाबा की पिक्चर
इतना प्यारा तुम्हारा अब्बा है, तुम किसे मिला रहे हो बता के गरामड़े अब आपको कोई भी कोई गलत बात कहे ना, आपने उसको ना कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ उसको कहना ना गरामड़े कुछ तो बोला है, देखो उसमें बैड वर्ड भी नहीं होगा, गुनाह भी नहीं मिलेगा और वो हैरत में भी हो जाएगा कि क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये, गरम अंडे वो जो गरम अंडे बेचते हैं ना, मैं उसका बेटा गरम गरम अंडे गरम अंडे कोई रैप बनाते हैं ना, और अंकल हमारे साथ फ्रंट के अंकल मुझे भी जाना है, हमें मैं नहीं मेरी भी तो गड्डी है, मेरी कौन सी चिंची है जो आप मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, इनकी चिंची गाड़ी चलाए वजह से कोई गाड़ी टक्कर ऐसे में क्या टीचर क्या टाइम वो आया टीचर ने चपेट मारे ये क्या हो रहा है टीचर ने क्या ये वो जो बुझ बोर्ड भी यूज कर दे ये लोग मुझे खेलने करते इसलिए मैं पूरा दिन इनके लिए क्लासरूम में होती हूँ अंकल ना 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 ये बात ना करें अंकल जी अपनी वड्डी करोरा लेके चल जाएंगे गरम अंडे और दो बज गए ओ एक कमेंट रह गया बस जल्दी से रहे चले जाए और ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से, आज ही मुझे रिसीव्ड हुआ है, तो अब ये मैं सारा जितना भी आप देखें यहाँ पे सब कुछ जो रखा हुआ है वो अब यहाँ पे मैं मैनेज करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसकी प्राइस जो है वो 1800 थी इसकी प्राइस, तो अब मैं जितनी भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं आसानी से, और ये आप अपने ड्रेसिंग पे भी रख सकते हैं, आप किचन में भी रख सकते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त सा है। और इसकी जो ये है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, मुझे ये अच्छा ये कलर अच्छा लगा था, तो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को जो है परचेज़ करूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। तो बस जल्दी से मैं इसको अरेंज करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो जनाब ये इस तरह से मैंने अपनी तमाम चीज़ें जो वॉशरूम में थी इस तरह रैक में मैंने रख दी हैं, ये तमाम चीज़ें ये देखें, एक तो ये सामने रहेंगी, ऊपर से चीज़ें जो हैं वो इधर उधर घूमेंगी नहीं, सामने आप इजीली पिक कर सकते हो, यहाँ से इसे इस तरह से ढूंढा ये चीज़ ब्रश कौन से चाहिए बिल्कुल सामने है और वहीं पर आप अपनी जगह पर रख लें। वॉशरूम में स्पेस भी आपको मिल गई, चीज़ें भी आपकी ज़बरदस्त किस्म की सेट हो गई और इजीली आप लोग पिक कर सकते हैं। ये देखें छोटी सी लिपस्टिक भी जो है वो मुझे इजीली अब नज़र आएगी और मैं लगा सकती हूँ। तो ये मैंने दराज से बाई किया है 1800 रुपये में, बड़ा ज़बरदस्त है
और आप लोग भी जाएं और इस तरह के रैक शैक देखें, और ये आप किचन में ड्रेसिंग पे अपनी ज़रूरत की जगह पे कहीं पे भी आप मंगवाएं और अपनी चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर लें। वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जनाब अभी यहाँ पे पानी का बिल भरवाने के लिए आई हूँ, और पानी का बिल आ गया था, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑनलाइन नहीं बिल पे कर सकते, सिर्फ पानी का बिल है जो हमें आके भरवाना ही है। तो अभी बस यहाँ पे आइए, पानी का बिल भरवाते हैं, और बाकी बिल जो है वो ऑनलाइन पे हो जाते हैं, बिजली का, गैस का, ये सारे बिल, इंटरनेट का, सारे बिल जो है वो ऑनलाइन हो जाते हैं, मगर पानी का बिल जो है वो स्पेशली हमें तशरीफ़ लेके जाना पड़ता है और उसको बिल भरवाना पड़ता है। बस यहाँ से पानी का बिल भरवाएंगे, फिर बारान को पिक करें। जरा ये देखिए मिट्टी की जो है फट जो यार, बल्ब ब्रश करियो, ऐसा 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 ऐसा, चलो उसके सारे बाल ख़राब कर रही है सना ये। अभी मेरे ख्याल से फिर हमला होगा, ये फिर मारेगी, और फिर मत बोलना कि ये मिट्टू ने मारा है। ड्राई कर रहे हो बहुत मसरूफ हो बारान। हाँ जी, हो जनाब, यहाँ पर बारिश हो रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे जैसे ही पता चला कि बारिश हो रही है तो मुझे लगा कि आप लोगों से तो शेयर होना चाहिए। ये देखें जनाब, बारिश फुल ऑन है, क्या उजला उजला लग रहा है, बहुत मज़े का मौसम है भाई जान। और जो धूप दो तीन दिनों से निकल रही थी, और मौसम में थोड़ा सा लग रहा था कि गर्मी फील हो रही है और ज़रा गर्म मौसम है, तो मुझे लगता है कि अब फिर से अश्मीरा को लगा कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, बिल्ली आ जाएगी, बाहर जा, आ गई मैं, आ गई, आ गई बेटे, बारिश हो रही है बाहर। हाँ देखो, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे हमारे, देखो जरा, है ना। पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको ये मेरा हल्का फुल्का सा छोटा मोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत बिजी होती हूँ, प्रॉपर व्लॉग्स इंशाल्लाह से ज़रूर ज़रूर आएंगे, प्लान कर रही हूँ कुछ चीज़ों को, और इंशाल्लाह प्रॉपर वे में आप लोगों को आप मेरे व्लॉग्स थोड़े टाइम में मिलेंगे। और आप लोग कहते हैं कि हस्बैंड से अलहदगी होगी या ये वो, तो ये हस्बैंड का ही घर है और मैं यहीं पर रह रही हूँ। उनकी टाइमिंग जो है वो सर्दियों की वजह से चेंज है, इसलिए मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे रही हूँ, और मैंने ये अपने व्लॉग में बताया भी है। और ऐसे ना किया करें आप लोग, अगर कोई है इशू तो पिछले व्लॉग से आके देख ले, और चीज़ों को फिर आकर जो है वो बोला करें। मैं अकेली अगर सारा काम कर रही हूँ, मीन्स के टाइमिंग का इशू है, बच्चों की टाइमिंग स्कूल की 9:30-9 बजे की हुई हुई है, और बाकी है कि ऑफ़िस भी जाना होता है और ऑफ़िस की टाइमिंग डिफरेंट है, और शाम को फिर लेट आना, तो फिर जो दिन के काम हैं, गाड़ी भी मेरे पास मौजूद होती है, तो जो दिन के काम है सीख भी ली है, तो जो दिन के काम है वो मैं करती हूँ, और बाकी काम तो करना है ना। और अब प्रॉपर वे में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह प्रॉपर प्रॉपर व्लॉग्स आएंगे, डिफरेंट वे में आएंगे और रूटीन से हट के आएंगे, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, और इंशाल्लाह मज़ेदार से ज़बरदस्ती चीज़ें होने वाली हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।